जिस तरह से हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है खेलने के लिए, उसके प्लेयर्स लाजवाब है खेलने के लिए, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि लाजवाब कौन है, किसने किसको लाजवाब कर दिया है, किसने किसको खामोश कर दिया है। बी टीम खेल रही है और उन्होंने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है कि छक्के छुड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के। अभी बी टीम भी नजर आती है, बी टीम है ना, अभी उनमें हैवी वेट्स मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं है, विराट कोहली मौजूद नहीं है, जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं है, कुलदीप यादव मौजूद नहीं है, हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है, जो आखिरी ओवर में पागल हो जाता है। अगर आज आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या होता है, स्कोर 450 जाना था। देखिए हम नहीं कुछ कर सकते, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, आज वही नन्हे मुन्ने से बच्चे सेंचुरीज करके गए हैं, तो ये काफी इंडिया के लिए कह लेंगे एक मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। तीसरा ऑडियो क्या लगता है किसका होगा? ऑफकोर्स इंडिया का होगा, बाबर आजम बात करते हैं जी, रैंक रैंक हमारा बाबर आजम का रैंक, पता नहीं क्यों लोगों को बाबर आजम बड़ा किंग लगता है, विराट कोहली एक किंग है, वो किंग ही रहेगा। जाहिर तो हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो दिल है वो हमारे आपके लिए धड़कते हैं, जो काम अच्छा करता है दिल उसी की तरफ होता है। या नो डाउट के आप जिस तरह एशिया कप जीत के आया है, वो उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उसने परफॉर्म करके ये बता दिया कि कम से कम हम लोग जो है वो खतरे की घंटी। आप दोबारा इंडिया जीत गई, दूसरा ओडीआई व्हाइट वॉश करने तक जा रही है, क्या इंडिया कर क्या रही है जी? परफॉर्म कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, और देखें आपकी पाकिस्तान टीम क्या करेगी, उन्हें कौन हराएगा सर? किनको? इंडिया वालों को सर। फिर भी तो नहीं ना खेले उनके, फिर ऐसा कर रहे हैं, मेन प्लेयर खेलेंगे तो क्या करेंगे? यही चीज इमेजिन करेंगे वर्ल्ड कप में, जब वो फुल स्ट्रेंथ जाएंगे तब क्या हमारा बनेगा भाई। वो इंडिया की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद पाकिस्तानी झटके में है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को झटका देने के बाद, श्रीलंका को झटका देने के बाद, पाकिस्तान को झटका देने के बाद वर्ल्ड कप की बेस्ट तैयारी में इंडिया की टीम लग रही है, और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तो हमारा वर्ल्ड कप में बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो चलिए पहले पाकिस्तानी के रिएक्शन देखते हैं। जिस तरह से हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है खेलने के लिए, उसके प्लेयर्स लाजवाब है खेलने के लिए, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि लाजवाब कौन है, किसने किसको लाजवाब कर दिया है, किसने किसको खामोश कर दिया है। एंड दैट वन इज ओनली द इंडियन टीम। और आज उसकी जो जीत है, सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं, एशिया कप की मुबारकबाद, फिर उसके बाद ये सीरीज की मुबारकबाद उनको मिलनी चाहिए। ए टीम नहीं खेल रही, बी टीम खेल रही है और उन्होंने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है कि छक्के छुड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के। अभी अगर हम बात करें, हमने एक टिकटॉकर अंदर बैठा दिया बस हसन अली, जो कि बाबर आजम की अपनी दोस्तियां नहीं खत्म हो रही, अपनी यारियां खत्म नहीं हो रही, और अगर जमामुल हक की बात करें, वो अपने जो भतीजे को लेकर आ चुका हुआ है, और उनकी अपनी रिश्तेदारियां खत्म नहीं हो रही है, जब तक पाकिस्तान की रिश्तेदारियां और बाबर आजम की दोस्तियां खत्म नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, आज वही नन्हे मुन्ने से बच्चे सेंचुरीज करके गए हैं, तो ये काफी इंडिया के लिए कह लेंगे एक मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। तीसरा ऑडियो क्या लगता है किसका होगा? ऑफकोर्स इंडिया का होगा, जैसे उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह परफॉर्मेंस है उनकी। इंडिया वर्ल्ड कप ले चुके हैं वही, अगर आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग जो कि टीम थी, आज उन्होंने दिखा दिया कि हम दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके इतने जो जूनियर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे जो हमारे बाबर आजम बात करते हैं जी, रैंक रैंक हमारा बाबर आजम का रैंक, पता नहीं क्यों लोगों को बाबर आजम बड़ा किंग लगता है, विराट कोहली एक किंग है, वो किंग ही रहेगा। इंडियन क्रिकेट टीम में मैं बात करूं तो मैं विराट का नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगी, हर कोई कहते हैं विराट विराट, बट मेरा जो फेवरेट मन है ऑलराउंडर है इंडियन प्लेयर टीम का, दैट वन इज हार्दिक पांड्या। मैं तो फैन होगी उनकी बैटिंग की, मतलब सेंचुरी 50 उन्होंने ऐसे किया जैसे मतलब हलवा खाया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, मैं तो यही सीधा कहूंगा अपने पाकिस्तान को कि पैसा भाई अपने पास रखो, जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने इंडिया से फेंडा खा के आना है, क्योंकि इंडिया को आप चेस कर ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, आप किसने कर सकते। इंडिया अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त धो रही है, पाकिस्तान कितना धुलने वाला है? लगता है पाकिस्तान नजर आएगा ग्राउंड में। पूरी दुनिया में यही एक अफवाह थी कि पाकिस्तानी टीम नंबर वन पे है, लेकिन इंडिया ने रोंग साबित किया उनको कि पाकिस्तानी टीम नहीं, हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे नंबर वन पे। देखिए आज की कारगिल, मैं लिटरली कसम से मैं सर पकड़ के बैठ के मैं कहा यार जूनियर ये कर रहे हैं तो सीनियर कहाँ पहुंचोगे, हम तो मुझे समझ नहीं आ रही, 100 स्कोर और सेंचुरियां दोनों करके गए हैं। अपनी टीम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो बाबर आजम थोड़ी सी शर्म खा लो, वो पता नहीं क्या खाते हैं, वो अच्छा खेलर, तुम भी थोड़ी सी शर्म खा लो। जाहिर तो हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो दिल है वो हमारे आपके लिए धड़कते हैं, जो काम अच्छा करता है दिल उसी की तरफ होता है। क्या लगता है आपको कौन विन कर रहा है भाई? इंडिया इंडिया वन साइडेड हो गया मैच भाई, 400 स्कोर थोड़ा स्कोर नहीं होता है। देखें इंडिया नो डाउट के आप जिस तरह एशिया कप जीत के आया है, वो उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उसने परफॉर्म करके ये बता दिया कि कम से कम हम लोग जो है वो खतरे की घंटी। आप लोग कुछ भी नहीं यार, बिल्कुल नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया, जितना प्रेशर उन्होंने अपना बना दिया ना इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया उसको सस्टेन नहीं कर सकता भाई। शुभमन गिल कमाल कर दिया पिछले मैच में, 74 आज 104 स्कोर दे, हमारा खतरनाक घंटी बजा रहा है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयार हो जाओ क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, और इंडिया की टीम विकेटें जो थी फट्टा विकेटें जैसे आज की हैं। अगर 400 का टोटल, 400 भी छोड़ दें यार, 350 का भी टोटल हो तो एक बहुत बड़ा टोटल होता है, चेस करना मुश्किल हो जाता है। बॉलर जो आएगा उसकी धुलाई है, और इंडियंस बैट्समैन जितने रेडी हैं आईपीएल से हो चुके हैं, वो किसी को माफी नहीं देने वाले। इस टाइम ना अपनी परफॉर्मेंस के सर पे डोमिनेंट हो चुका है पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में, अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कोई मजाक नहीं है, उनकी टीम भी वो है यार जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल लेने आए हुए हैं। मोहम्मद शमी है ना, वो जिस भी विकेट में हो वो कर जाता है, क्योंकि उसका लेट स्विंग होता है, उसको इन स्विंग आउट स्विंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने लेट स्विंग करना होता है, वो हर विकेट पे चल जाता है। शुभमन गिल देखो 20 साल का एक बच्चा उन्होंने लेके आए हैं, उसकी हिस्ट्री उठा के देख ले, 6-7 महीने की हिस्ट्री होगी उसकी, लेकिन अगर वो 6 साल की हिस्ट्री में 6-7 महीने की हिस्ट्री में बाबर के 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस को टक्कर दे रहा है,
मीन्स के वो आने वाले टाइम में एक देखे के राहुल की बात करें तो आज 50 करके उन्होंने बता दिया कि कप्तानी के साथ साथ वो बैटिंग भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जैसे विराट कोहली को जो कप्तानी दी गई थी तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वो वापस चलेगी। तो मेरी इंडिया की टीम थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने जैसे शेक करके रख दिया और जैसा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी हुई है क्रिकेट वर्ल्ड में। अब मेरा यही ख्याल है, मेरा ये मानना है यार कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, दोबारा इंडिया जीत गई, दूसरा ओडीआई व्हाइट वॉश करने तक जा रही है। क्या इंडिया कर क्या रही है जी, परफॉर्म कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, और देखें आपकी पाकिस्तान टीम क्या करेगी, उन्हें कौन हराएगा सर? किनको? इंडिया वालों को सर। इंडिया को हराएंगे? कौन हराएगा सर? मखलूक 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 अलग मखलूक है, मैच से मखलूक रहेगी, हमारे पास की बात नहीं रही अभी, ये हमारा वैसे भी ना अब अल्लाह हाफिज हुआ है, हम तो ओवर हो चुके हैं जी, हमारे पास बॉलर है ना, यारी दोस्तियां इतनी है कि हम यारी दोस्ती के अंदर यार जीत रहने चाहिए। नहीं भाई, हमारे पास चींचा अफरीदी है, हारिस है, हसन है, ठीक है, जमान खान है, हसन ना गिनो मेरे जान, सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हमने ऑस्ट्रेलिया को मानते थे, आप भी मानते थे, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को देख के रख दिया इंडिया ने। यही चीज है ना कि आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना किसी भी वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया की जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो सीरीज में, वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म करते ही करते हैं, और वर्ल्ड कप के अंदर आके आपके ये हालात हुए हुए हैं इंडिया ओडीआई में, ओडीआई में जाएंगे ठीक है इंडिया के खिलाफ, तो आप आगे देखेंगे वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? हमारा हाल क्या होगा? हमारा हाल ये होगा ना यार, यार ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया भाई, जो एशिया कप का हाल हुआ है वही हाल हमारा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान एशिया कप वाला हाल नहीं होगा, इससे ज्यादा बदतर होगा, एशिया कप में हम फिर भी सुपर फोर में गए हैं, यहाँ के हालात नहीं है सुपर फोर जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया उससे मुझे नहीं लगा। हम अब फिलहाल तो ये बात करते हैं सेकंड ओडीआई वो जीत गए, बॉलिंग में बैटिंग में फील्डिंग में हर तरफ परफॉर्मेंस, यार ये इंडिया कर क्या रही है? पीछे जादू तो ना हो रहा सर, मैं यही कह रहा हूं, जादू तो ना नहीं उनका, उनकी एफर्ट है, वो मेन प्लेयर भी तो नहीं ना खेले उनके, फिर ऐसा कर रहे हैं, मेन प्लेयर खेलेंगे तो क्या करेंगे? यही चीज इमेजिन करेंगे वर्ल्ड कप में, जब वो फुल स्ट्रेंथ से आएंगे तब क्या हमारा बनेगा भाई। वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसा उन्होंने माइंडसेट सेट कर दिया है ओवरऑल तमाम टीम्स के माइंड में कि जनाब हमारे सिवा कोई नहीं लेके जा सकता वर्ल्ड कप। यार इंडिया इस टाइम ना अपनी परफॉर्मेंस के सर पे डोमिनेंट हो चुका है पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में, अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कोई मजाक नहीं है, उनकी टीम भी वो है यार जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, वर्ल्ड कप खेल वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल लेने आए हुए हैं, यानी अभी ये किस हिसाब से देखा जाए बी टीम भी नजर आती है, बी टीम है ना, अभी उनमें हैवी वेट्स मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं है, विराट कोहली मौजूद नहीं है, जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं है, कुलदीप यादव मौजूद नहीं है, हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है, जो आखिरी ओवर में पागल हो जाता है, अगर आज आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या होता है स्कोर 450 जाना था। देखिए सर मैं देख रहा हूँ मुसलसल की उनकी बैटिंग लाइन जो है वो हमेशा से उनकी बड़ी बड़ा नाम रहा है, आज उन्होंने अपने होम ग्राउंड में ये बता दिया यहाँ से आप कोई बंदा हमें हरा नहीं सकता। ऐसे ही है बिल्कुल यार, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो शुरू से बैटिंग में ना रनचेजर भी रहे हैं, बैटिंग में उनका कोई जोड़ भी नहीं रहा, तो उनके जो जूनियर्स आ रहे हैं ना वो भी अपनी सीनियर्स की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, वो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें आईपीएल के बच्चे कह के ट्रोल किया जाता था ना वो आज अपनी बैटिंग से बता रहे हैं क्या होता है। आप गिल की बात कर रहे हैं, मुझे पता है की बात कर रहा हूँ, गिल ने आज आपने स्कोर देखा होगा, गिल की बात किए कर रहे हैं, ईशान किशन की बात कर रहे हैं, अय्यर की बात कर रहे हैं, यार अय्यर भी सेंचुरी कर गया आज आके, श्रेयस अय्यर की भी सेंचुरी कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया का हर एक प्लेयर पाकिस्तान टक्कर देने की तैयारी में, और भाई इंडिया जो है वर्ल्ड कप की बेस्ट तैयारी में अब जो लग रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भाई कैसे बच्चों की तरह हरा दिया, वो भी टीम बी ने, अच्छे जो पांच प्लेयर थे हमारे, पांच से छह प्लेयर थे वो तो इसमें डोमिनेट कर ही नहीं रहे थे, खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन भाई गजब मैच गजब जीता इंडिया ने, लेकिन उसके बाद भाई पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड कप अभी होने वाला है पूरी जो टीम्स है सब में डर बैठ चुका है, खासकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में डर तो बहुत था, श्रीलंका को भी इंडिया ने बहुत ज्यादा डरा दिया, पाकिस्तान को भी डरा दिया, ऑस्ट्रेलिया के भी बम्पर और फोर डाले भाई, अभी जो टीमें बस तीन को लगता भाई ये तो सभी को कुचलते आ रहे हैं, हमारा क्या हाल करेंगे दोस्तों, बहुत ही गजब के मैचेस आगे होने वाले हैं भाई, नेक्स्ट मैच जो 29 तारीख को है 27 तारीख को है, उसके बाद फिर वर्मा मैच चलेंगे वर्ल्ड कप के, तो हर एक मैच के अपडेट पाकिस्तानी डायरेक्शन हम आपके लिए लेकर के आएंगे, प्लीज कमेंट में आप एक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको अपने चैनल का लिंक दिया है जहाँ पर आपको क्रिकेट क्रिकेट की अपडेट मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।